नमस्ते फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर महादेव। दिस इज सी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर बेस्ट सर, ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री, दैट इज सीए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियाज फटाफट। एग्जाम का बनमन बचा है और आई नो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, उसमें इंडियाज फटाफट थोड़ा और एडिशन कर देगा। सो 10 मिनट में हम इंडियाज करेंगे जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू डू इंडियाज 23 बोरिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि मोस्टली हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में ये 8 मार्क्स का आ रहा है। सो 8 मार्क्स 10 मिनट में पूरे होने जा रहे हैं आपके। ओके, पे अटेंशन 100%। सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट डेफिनेशन क्या है, क्या होता है? तो फ्रेंड, आपको पता है हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो 4 पार्ट में होता है, तो उसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन जस्ट हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए है कि एनी कॉस्ट वी हैव टू इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द फंड, दैट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। अब एक्वायरिंग द फंड फॉर व्हाट पर्पज? फॉर असेट्स। तो उसको हमको कैपिटलाइज करना है या नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करना है, ये यहां पर हमको मेन बताना है, राइट? सो बोरिंग कॉस्ट मतलब एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग द फंड, बट फंड का यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, वो बोरिंग कॉस्ट बताता है, राइट? एप्लीकेबिलिटी फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है क्लियर, यहां पर एप्लीकेबल मोस्टली सबके लिए है, लेकिन जो ऐसे असेट्स हैं जिनको यहां पर कवर नहीं किया गया है उनके लिए वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, जैसे कि एक्चुअल असेट्स या प्लांट फॉरेस्टेशन, ऑयल, ऑल दीज थिंग जिसके लिए सेपरेट हमारा इंडेक्स बना हुआ है वो यहां पर कवर नहीं है। अदरवाइज बोरिंग कॉस्ट किसी भी असेट्स पे ले ये कवर करता है, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, मेन पॉइंट जहां से एग्जाम में मेनली आता है। सो एग्जाम के लिए 3 ही पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बाइफिकेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट बिटवीन कैपिटलाइजेशन करना कितना है और पीएल में चार्ज कितना करना है। So, सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट क्या होता है आपको समझ आया, एनी कॉस्ट विच यू इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग द फंड। अब वो कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एज वेल एज अदर एक्सपेंस ऑल्सो। लाइक आपको याद करना हो तो जैसे हम सीए इंटर के अंदर एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कॉस्ट निकालते थे, दैट इज समथिंग लाइक दैट कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ओके, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर। नाउ ये जो कॉस्ट है वो जब इनकर्ड करेंगे तो पहले क्वेश्चन की कॉस्ट कैसे इनकर्ड की जा सकती है, तो वो बोलते हैं कि 2 टाइप की बोरिंग होती है। जैसे आप सबसे पहले पॉइंट के अंदर देख सकते हो जहां पर स्पेसिफिक है कि एक है स्पेसिफिक बोरिंग जो हमने स्पेसिफिक असेट्स के लिए लिया है और एक है जनरल बोरिंग। अब असेट्स के लिए लिया है तो क्या करना है, जनरल बोरिंग किया है तो क्या करना है, बट उससे पहले क्वेश्चन आता है कि असेट्स के लिए लिया हो या जनरल बोरिंग किया हो लेकिन यूज कहां किया, तो उसको बोलते हैं कि आपको कैपिटलाइज करना है तो यूज क्वालिफाइंग असेट्स के अंदर ही होना चाहिए। यानी इंटरेस्ट नॉर्मली वी शुड चार्ज टू पीएल अकाउंट, बट इफ वी वांट टू कैपिटलाइज इट, व्हाट इज योर कैपिटलाइजेशन, ऐड इन द कॉस्ट ऑफ असेट्स। आई रिपीट, व्हाट इज योर कैपिटलाइजेशन, ऐड इन द कॉस्ट ऑफ असेट्स। सो अगर आपको असेट्स की कॉस्ट में ऐड करना है आपके बोरिंग कॉस्ट को, आपके इंटरेस्ट को, तो उस असेट्स को क्वालिफाइंग असेट्स होना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर क्वालिफाइंग असेट्स, तो वो भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल वर्ड में बोलो तो एनी असेट्स व्हिच टेक सब्सटेंशियल टाइम to get ready to use is known as qualifying assets. माने थोड़ा टाइम लगने वाला है तो हमको पता है यूज कर नहीं सकते हैं, उसके पीछे हमको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो सारी कॉस्ट टिल इट्स गेट रेडी टू यूज हमको कैपिटलाइज करना चाहिए। ऐसा हमने प्रीवियस इंडियाज फटाफट इंडिया 16 में भी सीखा था, राइट? सो सारी कॉस्ट टिल गेट्स असेट्स गेट रेडी टू यूज वी शुड कैपिटलाइज। सेम वे हियर बोरिंग कॉस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो बोरिंग कॉस्ट में क्या करना है, एनी कॉस्ट विच वी इनकर्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट्स जो कि एनी टाइम टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज, दैट कॉस्ट वी कैन कैपिटलाइज इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है? सो कैपिटलाइजेशन करने के लिए क्वालिफाइंग असेट्स है, ऐसा हमको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अदरवाइज आप आइडेंटिफाई कर लेना कि एनी असेट्स टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज, तो हमको उसके लिए क्वालिफाइंग असेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है? अब इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने से पहले इंटरेस्ट है कितना, तो उसके लिए बोरिंग 2 टाइप की बनाई। एक क्या बनाया, स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग मतलब क्या होता है, जो हमने स्पेशली उस क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिया, तो जब उसके लिए लिया है तो उसका जो भी कॉस्ट होगा सारा ऐड कर देंगे सब्जेक्ट टू इट्स यूज। इसलिए यहां पर कंडीशन है कि क्वालिफाइंग असेट्स हो या कोई भी हो, एक्चुअल में बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए और उस क्वालिफाइंग असेट्स में यूज होना चाहिए, तो ही हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर यूज नहीं हुआ और एक्चुअल में इनकर नहीं किया तो हमको उसको कैपिटलाइज नहीं करना, राइट? तो स्पेसिफिक अगर बोरिंग कर रखा है तो डेफिनेटली हम जो भी खर्चा होगा डायरेक्टली क्वालिफाइंग असेट्स में ऐड कर देंगे। सेकंड आता है अगर जनरल बोरिंग किया। जनरल बोरिंग मतलब 2-3 टाइप की बोरिंग कर रखी है,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं कि उसमें कैलकुलेशन हो जाते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन। सो हमने कुछ कुछ लॉ ले रखा है 10% से, कुछ हमने 15% से, कुछ 20% से, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लॉ ले रखे हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हमने हमारी क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लगाया। तो ऐसे केस में कौन सा रेट उसके लिए माने, क्योंकि क्वालिफाइंग असेट्स में पैसा तो सब मिक्स गया है, अब हम कौन सा रेट यूज करें, तो उसके लिए बोलते हैं यू कांट यूज एनी वन रेट। आपने जनरल बोरिंग किया, आपने अगर स्पेसिफिक उसके लिए असेट्स के लिए लोन लिया होता देन यू कैन अप्लाई दैट, बट आपने जनरल बोरिंग किया है इसके लिए आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिमेंबर, सो जो आपका सी एंटर के अंदर FM में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC निकालते थे, सेम वे में आपको एक वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं, जिसमें आपको याद है कॉलम क्या क्या बनाते थे, जैसे सोर्स, हमने कहां कहां से फंड लिया, तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट रेट दिया, तो वो फंड का सोर्स नाम लिख दो, फिर कितना फंड लिया है, फिर उसका वेट बना दो, टाइम के हिसाब से वेटेड कितना है, कि कुछ 12 मंथ के लिए है, कुछ 6 मंथ के लिए है, तो उसका वेटेड बना दो, फिर उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर उसके में इंटरेस्ट रेट लगा दो, फिर इंटरेस्ट की अमाउंट निकालो और जो वेट आया उसको डिवाइड दे दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। हम सम भी करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सम आते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। बाकी नोट्स में सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला है। सो ऐसे करके हमको क्या करना है, असेट्स को क्वालिफाइंग है पहले वो पता लगाना है, तो हम बोरिंग कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, फिर बोरिंग कॉस्ट के बारे में सोचना है। बोरिंग कॉस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक जनरल बोरिंग और एक स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग को डायरेक्टली ऐड कर दी जाएगी कॉस्ट जो भी आएगी, और जनरल बोरिंग है तो वेटेड एवरेज रेट निकाला जाएगा, जो कि हमारा FM का, सी एंटर का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, WACC निकालने का सिस्टम है, वही सिस्टम होता है, राइट। सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड जो इंपोर्टेंट के अंदर है, बोरिंग फ्रॉम द अब्रॉड और फॉरेन करेंसी में बोरिंग किया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स फॉरेक्स भी थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा। सो आपके लिए यहां पर क्या समझाया गया है कि आपको इंटरेस्ट अगर फॉरेन में आपने भरा है तो इंटरेस्ट फॉरेन में भरा और फॉरेन फ्लक्चुएशन भी भरना पड़ा, वो दोनों मिला के आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैंने बताया ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, एनी कॉस्ट विच वी इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग द फंड इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो आपने अगर फॉरेन से लोन लिया है तो फॉरेन में इंटरेस्ट भी भरना पड़ा, प्लस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, वो दोनों भरना पड़ा, तो दोनों का कॉस्ट इज कंसिडर्ड टोटल बोरिंग कॉस्ट, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसके आगे और रूल है। वो क्या बोलता है कि टोटल कॉस्ट अगर आएगा, यहां पर एग्जाम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस कॉस्ट को आप कंपेयर करो कि अगर हम इंडिया से लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट होता, ये भी हमको एक बार पता रहना चाहिए। तो इंडिया से लेते उसके बाद में आपको कंपेयर करना है कि फॉरेन से लेने पर फॉरेन फ्लक्चुएशन एंड इंटरेस्ट दोनों हमारा कॉस्ट हुआ, इंडिया से ले तो खाली इंटरेस्ट ही बनना पड़ता है, इंडिया की करेंसी में थोड़ी फ्लक्चुएशन आता है, हाँ वो इंडेक्स से अलग बात हो गई थी, नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं आता है। सो इसके लिए दोनों को कंपेयर करो, और इंडेक्स 23 बोलता है कि whichever is less is allowed as a borrowing cost, उससे ज्यादा अगर होगा तो इंडेक्स 21 यानी कि फॉरेक्स के अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेक्स में ट्रीट किया जाएगा, यहां पे नहीं आएगा, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, उनको हम इंडेक्स 23 के अंदर नहीं ले जा सकते। ओके, सो उसका एग्जांपल के साथ मैंने डिटेल दिया हुआ है, सो आपको खाली इतना याद रखना है कि बोरोइंग फॉरेन से किया है तो इंटरेस्ट प्लस फॉरेन एक्सचेंज दोनों मिला के आपको नेट कॉस्ट लेना है, इंडिया के कॉस्ट के अंदर देखना है विदाउट फॉरेन फ्लक्चुएशन कितना इंटरेस्ट आता, और दोनों में जो लोअर है वो हमको बोरोइंग कॉस्ट अलाउ है एज पर इंडेक्स 23, अगर उससे ज्यादा हमारा फॉरेन का कॉस्ट आ रहा है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडेक्स 21 फॉरेन फ्लक्चुएशन। ओके, परफेक्ट, उसके ऊपर भी सम किया हुआ है फ्रेंड्स, आप नोट्स में देख सकते हो, आपका अगर ये बुक है तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके ये सब प्रैक्टिस देख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स आता है थर्ड पार्ट, एनी अदर। एनी अदर में क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कमेंसमेंट कब से चालू करना है, इंटरेस्ट हम कैपिटलाइजेशन करना कब से चालू कर सकते हैं, तो बात आती है कि इंटरेस्ट जब से कैपिटलाइजेशन करना चालू कर सकते हैं जब असेट्स में काम चालू हो जाए, अगर असेट्स में काम चालू हुआ ही नहीं है तो हम उसको नहीं ले सकते कैपिटलाइजेशन। इसलिए बताया हुआ है कि इंटरेस्ट नॉर्मली कंटिन्यूटी में लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो डे नाइट दोनों टाइम लग रहा है, बट आपको समझना यह है कि अगर हम असेट्स को यूज ही नहीं किए उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को, तो हमको उसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट भी बोलता है कि नॉर्मल बोरिंग कॉस्ट ही हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोलता है, कमेंसमेंट कब से करना है, जब से आपका असेट्स उसमें स्टार्ट हो जाए, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप चालू कर दो, मतलब फर्स्ट काम आप चालू कर दो, तब से आप उस इंटरेस्ट को बोरिंग कर सकते हो, उसको कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। मींस ऐसा नहीं है कि सपोज आपने 5 करोड़ का लोन ले लिया, आपने काम चालू कर दिया ना, तो देन इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन करना चालू कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में 5 करोड़ खर्चा नहीं हो जाएगा, यू नो, बट इंटरेस्ट लेने के लिए आपने लोन लिया, जब से काम जब तक चालू नहीं हुआ जब तक आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, काम जैसे ही स्टार्ट हो गया देन यू कैन स्टार्ट द कैपिटलाइजेशन। ओके, सो कमेंसमेंट के लिए इसके लिए रूल बताए हुए हैं। फिर एक और आता है कि इसको फ्रीज कब करना है, स्टॉप कब करना है, माने बोरिंग कॉस्ट को स्टॉप कब कर देना है। तो अगेन क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बोरिंग कॉस्ट को स्टॉप कब कर देंगे, जैसे ही हमारा असेट्स रेडी टू यूज हो गया, यानी वंस इट्स रेडी टू यूज
हमको सारी कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर देना है। जैसे इंडिया 60 ने भी बताया है कि वंस एसेट्स रेडी टू यूज वी शुड स्टॉप द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एनी कॉस्ट। सो यहां पर बोरिंग कॉस्ट भी हमको स्टॉप कर देना है जैसी एसेट्स रेडी टू यूज। ओके सो फ्रेंड्स, ये थ्री थिंग के ऊपर मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए आपको कैपिटलाइज करना है, पीएलएम चार्ज करना है, दूसरा फॉरेन से लोन लिया है तो क्या होगा, उसमें इंडिया 21 भी अप्लाई हो जाएगा, एंड थर्ड एनी अदर जिसमें स्टार्ट कब से करना है और एंड कब करेंगे, उन सब के बारे में बाइफिकेशन कभी कभी आ जाता है। ओके नाउ एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम में भी दिया है, हमारी बुक के अंदर भी दिया, इवन फ्रेंड्स हमारी जो बुक है आईसीआई का मटेरियल ही है, क्वेश्चन बुक जो है, तो क्वेश्चन बुक के अंदर मोस्टली एग्जाम में सारे क्वेश्चन सिमिलर आए हुए हैं। मैं एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाता हूं जिससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक मैंने लिया हुआ है ये क्वेश्चन, नवंबर 19 का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे भी सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। नवंबर 19 8 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 3B। ओके नवंबर 19 का, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कॉन्सेप्ट इतना ही है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कर सकते हो जो मैंने आपको थ्री कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि एग्जाम में मेन पॉइंट वही होता है, इसलिए मैंने हमेशा बताया हुआ एनडीएस का पार्ट इतना से एग्जाम में आता है, आपको उतने पे ही फोकस करना है, राइट। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन एंटिटी कंस्ट्रक्शन अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग कमर्शियल कमेंसिंग ऑन 1st September 2018। ये देखो ये हमारा स्टार्टिंग डेट हो गया, मैंने हमारा जो कैपिटलाइजेशन चालू करना है वो कब से करेंगे अपन, 1st September 2018 से, और कंस्ट्रक्शन कर रहा है मतलब एक क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज ऑब्वियस बात है, इट्स नॉट रेडी टू यूज, इट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज, राइट, व्हिच कंटिन्यू टिल 31st December 2018। माने ये टाइम जो है वो हमको कमी लग रहा है, बट एनीवे इट्स अ क्वालिफाइंग एसेट्स, इफ टेक मोर देन 15 डेज आल्सो देन आल्सो इट्स क्वालिफाइंग एसेट्स एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड अ ईयर। ओके आगे जा सकता है ऐसा हमको लगता है, ठीक है ना। डायरेक्टली attributable expenditure at the beginning of the month on this assets are 2 lakhs okay in September 2018 and 4 lakh in each of the month of October-December 2018। अब देखो यहां इसने क्लियर बता दिया कि इतने इतने एक्सपेंस लगने वाले हैं, तो हम कैपिटलाइजेशन भी उतना ही कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टार्टिंग में 2 लाख लगा देंगे यानी कि सितंबर में, उसके आगे जो खर्चे हो रहे हैं वो 4 लाख होता जा रहा है, तो जो 4 लाख है मल्टीपल एड होता जाएगा आगे, और उसके ऊपर हम कैपिटलाइजेशन करते जाएंगे टिल दिसंबर, ठीक है। द एंटिटी हैज नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक बोरिंग, ये देखिए स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है इसमें, माने जनरल बोरिंग से काम चला रहा है, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ओके, बट हैज इनकर फाइनेंस कॉस्ट ऑन इट्स जनरल बोरिंग, ये देखिए जनरल बोरिंग ये है टेकन, सो जनरल बोरिंग में हमको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ता है, रिमेंबर, राइट। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी हैड इशू 9% डिबेंचर विद फेस वैल्यू ऑफ 30 लाख एंड हैड ओवरड्राफ्ट ऑफ 4 लाख, ओके, सो मींस ए है 9% डिबेंचर इस पड़े हुए 30 लाख के एंड ही हैव ओवरड्राफ्ट ऑल्सो 4 लाख का, which increased to 8 lakh in December 2018, okay. Interest was paid on overdraft at 12% until 1st October 2018 and then rate was increased to 15%. My God, means there are three type of general borrowing. One is debenture, that is 9% debenture. Second is overdraft till 1st October 12% and after that 15%. So three type of general borrowing is there. So we have to take better average, right? अगर general borrowing का कुछ भी cost हमको capitalize करना है, तो we have to take better average because it's not specified कि हमने कौन से fund में से इस particular assets के लिए पैसा उठाया है. Okay? आगे calculate the capitalization rate for the computation of borrowing cost in accordance with Ind AS borrowing cost. Oh, oh, oh. Means he had asked only capitalization rate. My God. 8 marks question and they had asked only capitalization rate. माने आपको capitalize amount कितना करना है, they don't want. Only WACC निकाल दो, जो कि general borrowing भी हम निकालते हैं. तो फटाक से निकालते हैं friends, कोई बात नहीं, थोड़ा time ज्यादा लग रहा है, but let me do, right? So let do answer to question number, सब लोग करो हाँ friends, साथ में करो. This is November 2019 question 2B. एंड सिमिलर क्वेश्चन हमारी जो बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन आई थिंक 3 है, पेज नंबर 126 पे, अपनी जो क्वेश्चन बुक है उसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन, मोस्टली सारे क्वेश्चन अपनी बुक से हैं फ्रेंड्स, वहां पे लेकर अपने कैपिटलाइजेशन कितना अमाउंट करना है वो भी मांगा है, यहां पे खाली रेट ही मांगा है, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ या कंपटीशन ऑफ WACC/ कैपिटलाइजेशन रेट फॉर जनरल बोरिंग। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा राइटिंग फास्ट लिख रहा हूं, इसके लिए आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। नाउ आपको ये तो कौन से कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम बनाने होते हैं ओवरऑल, जैसे हमारा ये सब क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले सोर्स, किस सोर्स से लिया है, फिर फंड कितना लिया है, फिर उसका टाइम के हिसाब से वेट कितना होता है, ओके टाइम वेट, फिर इंटरेस्ट का रेट कितना है,
अच्छा, उससे पहले एक प्रोडक्ट का कॉलम और बना दो, फिर इंटरेस्ट बेट का कॉलम बनाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट निकल जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट और WACC दोनों निकल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट का कॉलम बना दो, यानी कि ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके, राइट, फिर इंटरेस्ट रेट, फिर इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, सो ऐसे हमने 6 कॉलम बना दिए। एक बार रिपीट कर देता हूं, सोर्स फंड, टाइम वेट के जो है वो वेट के लिए टाइम चाहिए, फिर प्रोडक्ट जिसका मल्टीप्लाई वेट का करके जो आंसर आएगा, फिर इंटरेस्ट रेट और फिर इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक, हमारे पास एक 9% डिवेंचर है, अभी क्वेश्चन में पढ़ा हमने, फिर एक 12% ओवरड्राफ्ट है ओडी, और एक 15% ओडी, बरोबर है। चलिए 9% डिवेंचर कितने के हैं, तो आई थिंक 30 लाख के हैं। 12% ओडी कितने का है, 4 लाख का है, लेकिन ये बढ़ गया कब से, इसने कुछ बताया ना क्वेश्चन में, इट्स इंक्रीज 8 लाख इन दिसंबर। ओके, तो वो दिसंबर में इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेट जो है वो 1 अक्टूबर से बदल गया। ओके, सो हम यहाँ पर साथ में टाइम भी लिख चलते हैं, जिससे हमारा डेट भी आ जाएगा। सो 30 जो है वो स्टार्टिंग में ही है, तो हमारा टाइम जो होगा वो 12/12 हो जाएगा, राइट। फिर ओडी जो है वो कभी है हमारे पास, 4 लाख का, 4 लाख का ओडी कब से लिया है अपने फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी हैज इशूड 9% डिबेंचर विद फेस वैल्यू 30 लाख एंड हैड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 4 लाख व्हिच इंक्रीज्ड टू 8 लाख इन दिसंबर। ओके, सो अभी ये जो रेट चेंज हो रही है, तो वो रेट सबसे चेंज हो रही है जब तक अपन को लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट भी है तो हमारे पास स्टार्टिंग से, बट जो रेट है वो 12% से 15% हो रही है, तो हम लोगों को रेट इंक्रीज हो रही है जब तक का पीरियड लेना पड़ेगा, 1 अक्टूबर का लेना पड़ेगा, राइट, 1 अक्टूबर, देन द इंटरेस्ट रेट विल बी 15%। सो 1 अक्टूबर तक का टाइम कितना हो जाएगा, सो वी कैन टेक फ्रॉम जनवरी भी को दिसंबर अकाउंट क्लोज हो रहा है, सो 9 मंथ तक का हमारा टाइम हो जाएगा, तो 9/12, ठीक। ओके, फिर 15% जो वाला है उसमें हमारे दो आ जाएंगे, एक तो 4 लाख रहेगा कब तक के लिए, 1 अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर, 2 महीने के लिए, 2/12, और वापस 8 हो गया दिसंबर में आके, तो दिसंबर में हो जाएगा 1/12, ठीक है। ऐसे हमारे 4 बना दिए अपन ने, क्योंकि ये जो है यहाँ पर उसने फंड भी चेंज किया है और रेट भी चेंज किया है, तो यहाँ पर रेट चेंज किया तो हमने 2/12 ले लिया खाली 2 मंथ का, कब से, अक्टूबर का एंड नवंबर का, और दिसंबर का जो है वो हमने 1 मंथ का ले लिया, वो 8 हो गया, बढ़ गया ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, और जो 4 है वो अपन ने टिल अक्टूबर तक का लिया, ठीक है। नाउ इसका वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीज इन लैक्स में है, ऐसा लिख देते हैं अपन लोग, 30 into 12/12 30 हो जाएगा, फिर 4 into 9/12 कैलकुलेट कर दिया फ्रेंड फर्स्ट, तो देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 30, ये 4 लाख इंटू 9/12 3, फिर अगेन 4 लाख 2/12 इज 0.66 एंड 8 लाख 1/12 तो 0.67 या 66, राइट। सो ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट बन गया। नाउ रेट इंटरेस्ट का हमको पता है, यहाँ पर 9% है, यहाँ पे 12% है, और इन दोनों जगह 15% है, राइट। सो इंटरेस्ट का रेट निकाल के इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर दो और इसका टोटल लगा दो प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का टोटल मैंने लगाया था अभी, ये प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है हमारा 34.33, राइट। अब इंटरेस्ट लगा दीजिए 9% ऑन 30 लाख 2.7 लाख, राइट, फिर 12% ऑन 3 लाख। अब डायरेक्टली अमाउंट लगा देना है अपन को, अब टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये पहले हमने अमाउंट को टाइम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो 12 into 3% कितना हो जाएगा, 0.03, फिर 0.67 इंटू 15%, नहीं कैलकुलेट बराबर करिए फ्रेंड्स, सो ये फ्रेंड्स आ गया 2.7, 3 का 12%, 0.36, 0.67 का 15%, 0.1, ऐसे इसका भी 0.1, राइट, टोटल हो गया 3.26, राइट। सो हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्ट निकाल दिया और टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दिया, इंटरेस्ट अमाउंट निकाल दिया। नाउ देयरफॉर WACC जिसको हम बोलते थे, जो कि सी एंटर में यूज करते थे, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, या फंड बोल सकते हैं, यहां पर अगर टाइम नहीं हो तो फंड बोल देते, इनटू 100, टोटल इंटरेस्ट आया है 3.26 अपॉन 34.33 इनटू 100, कर दीजिए मल्टीप्लाई कितने का आता है फ्रेंड्स,
9.496 और वी कैन से 9.5%. ओके, सो ही हैड आस्क्ड ओनली कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज WACC. तो जनरल बोरिंग के हिसाब से हमारा रेट क्या हो गया, 9.5%. अब यहां पर इसने बोरिंग को कैपिटलाइजेशन करने का और बोला होता तो जो जो हमने फंड यूज किया है उस पे 9.5% रेट लगा देते एज पर टाइम, बिकॉज हमने यहां पर टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते इंटरेस्ट रेट निकाला है, तो इंटरेस्ट रेट एनुअली निकला है, तो 9.5% एनुअली इंटरेस्ट रेट है. सो उसको हम जितना जितना फंड हमने टाइम के लिए यूज किया है उतना इंटरेस्ट हम लगा देते, दैट विल बी कैपिटलाइज. और बाकी का जो इंटरेस्ट बचता है 3.26 ओवरऑल इंटरेस्ट है, बाकी का जो इंटरेस्ट बचता दैट विल बी चार्ज टू पीएल. ओके फ्रेंड्स, सो इंडियस फटाफट सम और कर लिया हमने, हाथ से लगा दिया, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, बट आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट फॉर 7FR चैलेंज तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट ऑल्सो. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.